घर में बच्चा एक तो पढ़ाई कर रहा है, वो कहता है जी मैं इससे बड़ा आसान क्या करूँ, खुद पढ़ रहा हूँ। हालांकि ये सोचना नहीं चाहिए बच्चों को, बच्चों को एक्टिविटी देनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ कि वो कुछ बन के दिखाएं। क्योंकि देखिए जी, हमारा पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब हमारी नई जनरेशन जो है वो इस दुनिया अपना अपने काम की तरफ आएगी और अपना मुस्तकबिल बनाएगी। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने देखी है ना, तो हम कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू करियर कैंप। आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं, ही इज मैनेजर एट कोफू, सीईओ भी हैं, पार्टनर हैं। His name is Tahir Zaman, तो हम उनसे पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था और इस काम में वो किस हिसाब से आए हैं, और कुछ हम उनसे गाइडेंस लेंगे प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में, जिस तरह से हम सबसे लेते हैं। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, मैं आपसे सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि बहुत से लोग ऐसे ही बताते हैं कि पढ़ाई उनकी कुछ और होती है और फिर वो इस काम में आ जाते हैं, आपकी पीछे से हिस्ट्री क्या है? एक्चुअली जब पढ़ाई ख़त्म हुई है तो फिर उस वक्त कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि कोई जॉब की जाए। अच्छा। तो फिर किसी रिलेटिव ने बताया कि आप रेस्टोरेंट लाइन में चले जाएं। सही। तो मैं फिर रेस्टोरेंट लाइन में आ गया। जी। वो जिनवा रेस्टोरेंट था जो सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस था। सही। तो वो चाइनीज फूड था वहाँ पे, ये 1994 की बात है। सही। तो पढ़ाई के बाद फिर मैं वहाँ पर चले गया और वहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पे अब मैंने कभी ज़िंदगी में रेस्टोरेंट का काम नहीं किया था कि रेस्टोरेंट क्या चीज़ होती है, लेकिन वहाँ पे फिर हमें एक अच्छा इंस्टीट्यूट भी मिला। वहाँ हमें सिखाया जाता था कि आपकी सर्विसेज किस तरह की हैं, आपने कस्टमर को कैसे सर्विस देनी है, कैसे फूड प्रोवाइड करना है। तो फिर हमें मंथ डेली बेसिस के ऊपर हमारी क्लासेस लेते थे, तो मुझे वो अच्छा लगा। मैंने कहा ये एक बेहतरीन जगह है जहाँ मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ, और फिर मैंने बड़ा कुछ सीखा भी वहाँ से। तो बेसिकली मेरी लाइन तो फिर रेस्टोरेंट लाइन ही था, फ्रंट पे मैं काम करता था। तो वहीं पे फिर मैं मैनेजर भी बना, और उसके बाद फिर और रेस्टोरेंट भी थे जहाँ पे मैंने जॉब की, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि एक अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। तो इसका ख्याल कैसे आया अपना काम करने का, क्योंकि जॉब में एक सिक्योरिटी भी होती है और काफ़ी लोग जॉब तक ही रहते हैं, एंड तक बस फिर बच्चे करने लग जाते हैं और वो रुक जाते हैं। तो आपने ये कैसे सोचा कि अपना शौक था मेरा कि मेरा अपना अच्छा। भी एक बिजनेस हो, कारोबार हो, तो उस शौक की बिना पे मैं हमेशा सोचता रहता था। मेरी वर्किंग ये होती थी कि मैं हर वक्त सोचता था क्या किया जाए ज़िंदगी में। तो अब लाइन मेरी सिर्फ रेस्टोरेंट लाइन थी, मैंने इसके अलावा कोई और चीज़ सीखी भी नहीं थी। तो बस ये सोचता था कि अच्छा कौन सा फूड किया जाए, किस फूड में जाया जाए। फूड पहले मैंने और भी किए हुए थे, जो पाकिस्तानी फूड भी था और कॉन्टीनेंटल फूड भी था, लेकिन चाइनीज़ में मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा था। कुछ चाइनीज़ में कुछ जानता भी था, बनाना भी जानता था, कुछ बना भी लेता था। तो फिर यही किया कि कोरोना आ गया, जब ये कोरोना पीक पे चले गया तो आपको रेस्टोरेंट लाइन बिल्कुल ही बंद हो गई थी। तो जितने भी रेस्टोरेंट थे वो उन्होंने बंद कर दिए, और उस रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से लाजमी बात है हर बंदे के ऊपर बेरोजगारी आ जाती है। तो उसी दिनों में फिर हमने सोचा, मैं था, मेरा दोस्त थे जो जिन्होंने मिल के बनाया फिदा हसैन, तो वो शेफ थे, मैं एज ए फ्रंट पे काम करने वाला बंदा था। हम दोनों वर्किंग करते थे डेली बेसिस के ऊपर कि यार हम कहाँ पे खोलें। तो फिर हमें एक जगह मिली, मकबूल सी छोटी सी जगह थी, हमने कहा चले हम यहाँ टेक वे डिलीवरी कर लेंगे, क्योंकि उन दिनों में टेक वे डिलीवरी ही चल रहा था, बिल्कुल, क्योंकि रेस्टोरेंट तो बंद हो गए थे और डाइनिंग बिल्कुल नहीं थी। यहाँ कार
कार्ड के अंदर खा सकते हैं आप, या आप टेक अवे कर सकते हैं या डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये तीन ही ऑप्शन रह गई थी, गवर्नमेंट ने उस वक्त ये ऑप्शन दी हुई थी। तो हमने छोटी सी जगह लेके फिर एक छोटा सा किचन बना के, और सबसे पहले अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, और फिर हम ही वहीं से हमारा काम चलने लग पड़ा। हमारा खाना बहुत अच्छा था जिसकी वजह से हमारा खाना लोग बहुत लाइक करते थे, तो आज अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। चलिए, ये तो मतलब बहुत चंद होते हैं ऐसे कारोबार के जो इतनी तरक्की इतनी जल्दी कर लेते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपका माशाल्लाह इतना तजर्बा है और एक ही लाइन में इतना तजर्बा होना आजकल जरा रेयर हो गया, क्योंकि आजकल के बच्चों आपको पता है मेरे समेत एक चीज में कूदते हैं और फिर उनको जरा बोर हो जाते हैं फिर दूसरी चीज में। तो आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये अच्छी चीज है कि एक ही जगह रहना, या फिर आपको डिफरेंट चीजें ट्राई करनी चाहिए? करनी चाहिए जी। पहले तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपने जो भी काम शुरू किया है इसके अंदर लाजमी बात है इंसान गलतियां करता है, फिर सीखता भी है, ठीक है। अभी भी हम गलतियां करते हैं और सीखते हैं, तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि इंसान अपना काम जो करे वो पूरी दयानतदारी के साथ करे और पंक्चुअलिटी के साथ करे, और उसमें आपका विज़न होना चाहिए कि मैं इसके अंदर पूरा पूरे का पूरा अपना काम संभाल सकूं, ताकि काम में कोई परेशानी ना हो। तो टाइम देना पड़ता है, और मैं आने वाले बच्चों को भी यही कहूंगा कि ज़िंदगी में मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करें और सोच रखें कि मैंने कुछ करना है, मेरे अंदर इस तरह के जज्बात होने चाहिए कि मैं कुछ करके दिखाऊं अपनी फैमिलीज के लिए और अपने पाकिस्तान के लिए, तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाब जरूर हो जाता है। जब आप नियत कर लेंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला मदद जरूर करता है। तो अच्छा, आपका जैसे इतना एक्सपीरियंस है, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि जब कोई नया बच्चा इस जगह आता है और वो सीखना चाहे, क्योंकि काफ़ी सोचा जाता है कि मतलब सीखने का हमें ये समझ आती है कि सिर्फ स्कूल तक सीखने की उम्र होती है, और वो तो जब कारोबार में आते हैं तब सीखने का कितना मौका मिलता है और लोग कितना मौका देते हैं जो पहले से होते हैं उसका? अच्छा जी, इसमें एक इंडस्ट्री है फूड की, देखा जाए तो आप लोग कहते हैं जी इंडस्ट्री लगा दी उसने, मिल्स लगा दी, लेकिन ये रेस्टोरेंट भी एक इंडस्ट्री है। यहाँ भी एक क्लासेस होती हैं, और अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर वो एक क्लासेस का टाइम होता है, ट्रेनिंग होती है लड़कों की। हम भी यहाँ पे लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं। कोई नया लड़का आता है वो घर से सीख के नहीं आता, उसको हमेशा वहीं से सीखना पड़ता है जहाँ वो काम करने के लिए आता है। तो यहाँ पे हम क्लासेस देते हैं, उनको बताते हैं, फिर उनको आप अपनी हिस्ट्री भी सुनाते हैं कि हम लोगों ने इस तरह मेहनत की, इस तरह इस फील्ड में आए, इसी तरह हमें लोगों ने सिखाया, आज आप लोग सीखेंगे तो कल आप ही बन जाएंगे कुछ ना कुछ। तो वो जी मेहनत ही है अल्लाह की तरफ से, फिर गॉड गिफ्ट भी है। कई लड़के बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कई लड़के थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो अल्लाह ताला जरूर मददगार है जी, वो इंशाल्लाह जरूर मदद करता है। सही, तो आप मुझे ये बताएं कि इस बिजनेस में अगर कोई आता है तो ग्रोथ का कितना मार्जिन कितना है कि कितनी जल्दी वो ऊपर तक पहुँच सकते हैं जी? इसमें मार्जिन बहुत है, लेकिन दिल नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। अच्छा, आप टाइम स्पेंड करें, वर्किंग करें, और अगर देखें फूड का काम है तो आपको सबसे पहले तो खाने पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि आप खाना किस तरह का दे रहे हैं। अगर आप घर में खाना खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तो इसी तरह का लोगों को भी खिलाएं, ताकि लोग ये समझें कि फिर अल्लाह ताला भी मदद करता है कि यार मेरे बंदे ने वो खाना खिलाया जो घर में खा रहा है, जो बच्चों के लिए दे रहा है, जो अपने साफ सुथरा खाना दे रहा है। अगर आप गंदा खाना देंगे तो फिर कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। आजकल लोग अगर बुरा काम करते हैं कि जी हम कमाई के लिए या पैसा कमाने के लिए गलत चीज़ें बेचते हैं, तो वो फिर कभी भी कामयाब नहीं होते, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं होती। तो इसमें ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है अगर नीयत साफ करो। सही। अच्छा, होटल मैनेजमेंट का अब आपका इतना मतलब एक्सपीरियंस रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि बच्चे में एक दो जो खसूसी चीज़ें होनी चाहिए अगर उसने इस लाइन में आना है, तो वो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं? हाँ, वो है जज्बा जी। अगर तो इसके अंदर है कि मैं यही करना चाहता हूँ। आजकल बच्चे पढ़ाई ख़त्म करने से पहले भी कहते हैं जी मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बन जाऊँगा, तो एक उनके अंदर जज्बात होते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैंने इस रेस्टोरेंट लाइन में आना है जब मैंने पढ़ाई ख़त्म की है, तो बस जब मुझे इस फील्ड में लेके गया है तो मुझे कुछ अजीब सा भी लगा, लेकिन जब मैंने सीखने की और मुझे सिखाना या सिखाया गया और मुझे बताया गया, तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नहीं ये एक अच्छी चीज़ है, ये सिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, और एक
काम भी अच्छा है और जब लड़का पढ़ जाता है, जब पढ़ाई पूरी कर लेता है तो वो इस फील्ड में आएगा तो उसको ऑटोमेटिकली इन चीज़ों का भी पता चलना शुरू हो जाएगा। एक जब हम बात कर रहे थे फिदा साहब से तो बड़ी मज़े की उन्होंने बात की थी और ये बहुत मतलब हम भी अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान में बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम तो कितनी उम्र तक तो मतलब जवानी आती तो गुजर जाती है कि जब तक पढ़ाई चल रही होती है, फिर एकदम हम जब 30 तक पहुंचते हैं तो कारोबार पे आते हैं। तो उन्होंने कहा कि साथ साथ बच्चे को काम करना आना चाहिए। हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी। तो ये आप इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली जी, हमारे पाकिस्तान में लाडलापन बहुत ज्यादा है। हम अपने बच्चों को हमेशा कहते हैं कि यार हमने धक्के खा लिए हैं, अब ये धक्के ना खाएं। हालांकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इंसान को अपने बच्चों को तरबियत देनी चाहिए कि आप बेटा बचपन से लेके जब आप जवानी की तरफ जाएंगे तो उससे पहले कुछ सीखें, क्योंकि ये आपके काम आएगा। और वो फिर जब बचपन से इस तरह का काम सीखेगा, पढ़ाई के साथ साथ भी थोड़ा टाइम देगा, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको फिर मुश्किल नहीं पेश आएगी कोई भी कारोबार करने के लिए। तो हमें इस अपने पाकिस्तान में और हमारे माशरे में लोगों बच्चों को बताना चाहिए कि वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ सीखें। तजर्बा बहुत ज़रूरी होता है ना। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे एक मतलब अगर आपकी चीज़ मैं आपसे ये पूछूं कि आप इस जगह पे आ गए हैं तो ऐसी आपको कौन सी मुश्किल खुद महसूस हुई है जब आप लोगों को देखते हैं कि हाँ हमने उनको बुलाना है, काम करना है लोगों के साथ, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिस चीज़ की कमी आप महसूस करते हैं कि ये हो तो हमारा काम भी आसान हो जाए और ये भी जल्दी सीख ले? देखिए जी, हर जगह पे एक टीम वर्क तो होता है जी। टीम वर्क एक सफाई करने वाले से लेके, बर्तन धोने वाले से लेके, एक मैनेजर से लेके, वेटर से लेके और शेफ से लेके, कोई भी है उसको एक टीम चाहिए। टीम के बगैर कभी भी काम कम्प्लीट नहीं होता। तो हमारी सब फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि हम अपनी टीम बनाएं। उसमें हम खुद भी बताते हैं, फिर हमारी जो मैनेजमेंट है, फिर जो शेफ हजरात हैं वो भी अपनी टीम को चलाने के लिए उनको सिखाते हैं और उनको यही तरबियत दी जाती है कि ये सीखेंगे तो आपका साथ देंगे, अगर आप इनको सिखा देंगे तो ये जल्दी भी कर जाएंगे। तो इसलिए हम हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम अपनी टीम बनाएं और कुछ सिखाएं। टीम मैनेजमेंट ज़रूरी है ज़्यादा, ठीक हो गया। एक हम आपसे एंड में पैगाम लेंगे बच्चों के लिए और एक हम लेंगे वालदैन के लिए, जो आप देना चाहते हैं अपनी तरफ से आजकल के बच्चों के लिए और फिर आजकल के वालदैन के लिए, दोनों के लिए। अच्छा, काफ़ी बड़ा मुश्किल सवाल है। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। घर में बच्चा एक तो पढ़ाई कर रहा है, वो कहता है जी मैं इससे बड़ा आसान क्या करूं, खुद पढ़ रहा हूँ। हालांकि ये सोचना नहीं चाहिए बच्चों को। बच्चों को एक्टिविटी देनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ कि वो कुछ बन के दिखाएं, क्योंकि देखिए नहीं, हमारा पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब हमारी नई जनरेशन जो है वो इस दुनिया अपना अपने काम की तरफ आएगी और अपना मुस्तकबिल बनाएगी। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने देखी है ना, तो हम कह रहे हैं तो अभी भी चल रही है, हमारा मुल्क उस तरह तरक्की नहीं कर रहा। अगर हमारे आजकल की जनरेशन अपने वालदैन अपनी बच्चों को कहें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बड़ी जल्दी तरक्की भी कर सकता है। सही। तो बच्चों के लिए भी ये हो गया, तो वालदैन को आप ऐसा क्या कहेंगे कि मतलब ऐसी क्या चीज़ है कि जो वालदैन के लिए पैगाम एक हो जाए छोटा सा? वालदैन यही है जी, देखें बच्चा जो होता है वो बचपन में उसको इतना नहीं इल्म होता कि मैंने आगे क्या बनना है। वालदैन ही होते हैं जो उनकी उनको लेके चलते हैं। अब पहले दिन जब स्कूल छोड़ने जाते हैं तो वालदैन ही छोड़ने जाते हैं, तो वालदैन इनका यही है कि आगे भी उनको पढ़ाएं और इस फील्ड में भी लेके आएँ। हमारी फील्ड बुरी नहीं है, हमारा रेस्टोरेंट लाइन का और ये एक इंडस्ट्री मैंने बताया जी। आप देख लें क्योंकि बहुत सारी दुनिया का जो इस दुनिया में रह रहे हैं लोग, उनका रोज़गार इस रेस्टोरेंट लाइन से ही है, चाहे पाकिस्तान है चाहे आउट ऑफ कंट्री है। तो वालदैन अपने बच्चों को समझाएं, बताएं, पढ़ाई के साथ साथ इसकी तरबियत भी दें कि अगर आप लोगों ने इस रेस्टोरेंट लाइन में जाना है तो घर में ही उनको, बेशक घर में देखें जी अंडा बन रहा है, घर में कोई भी खाना बना रही है उनकी मम्मा, तो बताना चाहिए कि इस तरह ये प्याज की कटिंग होती है, इस तरह टमाटर की कटिंग होती है, इस तरह ये दूसरी चीज़ें बनती हैं।
तो उससे भी बच्चे के अगर लगन में आ जाए तो वो इंशाल्लाह आगे फिर एक दिन बिकी कर जाते। एक बड़े मजे का सवाल अब मेरे जहन में आ रहा है इसके बदले में कि आप नहीं देखते कि हमारे घरों में तो सिर्फ बच्चियों को बावर्ची खाने के रूप में भेजा जाता है कि बेटा अंदर जाओ, और बच्चों को तो ग्लास भी पानी का नहीं कहते कि भाई उठ के पियो, बहन पिलाती है चाहे दोनों स्कूल से आए हो। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब आप खुद माशाल्लाह अपने घर के लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, और इसी के पीछे हो रहा है सारा कुछ, और जितने रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं वो भी सारे बंदे ऐसे ही है जी। देखें जी, अगर आप गाँव में चले जाए तो वो जिस तरह आपने बताया है कि बेटियाँ ही घर का खाना बनाती हैं और घर के काम काज करती हैं, लड़के नहीं करते। हाँ, वो आके कहते हैं कि जी हम तो लड़के हैं, हम घर का खाना क्यों बनाएं। हाँ जी। लेकिन एक वक्त फिर भी आता है कि जब वो बड़े हो जाते हैं, फिर रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, फिर यही खाना बना रहे होते हैं, क्योंकि आप मोस्टली रेस्टोरेंट देख लें तो वो लड़कियां कम हैं जो शेफ होंगे, लड़के ज्यादा हैं। तो इससे बेहतर नहीं है कि अगर आप अभी तरबियत करेंगे तो एक अच्छे शेफ ही बन सकते हैं। तो और मार्केट में आपको क्या लगता है कि अगर कोई बच्ची आ रही है आपके पास सीखने तो आप उसको हायर करेंगे? अभी जी हम लोग नहीं चाहते कि कोई लड़की हमारे पास, क्योंकि हम भी सारे जेंट्स ही हैं। अच्छा। लड़के ही काम कर रहे हैं, हम चाहेंगे इंशाल्लाह कोई अच्छी जगह बनाएं जहाँ सिक्योर पान हो लड़कियों के लिए भी। हमारा एक्चुअली ओपन एयर भी है, अभी छोटा सा इंडोर रेस्टोरेंट है। तो नहीं, ये तो आपकी बात ठीक है, आप उनकी सिक्योरिटी के लिए कह रहे हैं। मैं आपसे ओवरऑल पूछ रही हूँ कि इस मार्केट में वैसे एक्सेप्टेंस है बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जो प्रोफेशनली इस काम में आना चाह रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, अच्छा उनके पास टैलेंट भी है, और अगर आपके पास अच्छा किचन है, अच्छी आपके पास सिक्योरिटी है, तो फिर क्या आप उनको हायर करेंगे? हाँ, मैं यही कहूँगा कि अगर उनकी सिक्योरिटी अच्छी हो तो फिर जरूर जाए वो। क्योंकि हमारा दीन और इस्लाम है, हम चाहते हैं कि लड़की के लिए वो सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। वो तो दोनों के लिए ही बिल्कुल जरूरी है, और उनके लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो बातें की हैं, जो उम्मीद है कि आप सबको भी समझ आई होगी इन चीज़ों की, क्योंकि इन चीज़ों की कमी बहुत ज़्यादा है, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे आजकल के बच्चे हैं वो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली लेकर आएँ, अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएँ, ताकि जब वो आगे जाएँ और वो इस एक टीम का हिस्सा बने तो हमारा पाकिस्तान भी ग्रो करेगा और हम भी ग्रो करेंगे एज अ नेशन। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सो आई होप कि इस अभी जो डिस्कशन हुई थी उसमें बहुत से प्रैक्टिकल पॉइंट्स मुझे जो समझ आए हैं वो आपको भी अच्छे लगे होंगे, और आप अपने बच्चों को अगर आप वालदेन हैं या फिर अगर आप बच्चे हैं या बच्चे ही देख रहे हैं तो आप लोग इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अभी से पार्ट बनाएंगे और अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएंगे तो हम एज ए नेशन बहुत अच्छा ग्रो कर सकेंगे, और आगे जाके भी इवन हमें अपने करियर बनाने में हमें मुश्किल नहीं होगी, हमें प्रोफेशनलिज्म समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हम मिलकर समझेंगे और इंशाल्लाह बेहतर बनाएंगे इस मुल्क को भी और अपने आप को भी, अपना प्रोफेशन भी। तो अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चन इनसे भी है तो हम उसका भी जवाब देंगे, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस हमारे डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करना नहीं भूलना, ऑल्सो कमेंट अगर आपका कोई भी सजेशन है या कोई क्वेश्चन है, या अगर आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी है, आप किसी को जानते हैं, इवन जो स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ सवाल हैं या फिर वो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो हम उनको भी अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक यू सो मच, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय।